कैंपस प्रोग्राम तुहाडा सब दा स्वागत है। अज तुहानूं लैके चल रहे हैं गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, जो कि मॉडल टाउन जिला लुधियाना विखे स्थित है। यह इंस्टीट्यूट बच्चों लई एक वरदान है। इत्थों पढ़ के बच्चे बहुत ही वधिया तरीके नाल अपना फ्यूचर बना रहे हैं। इंस्टीट्यूट विखे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स, BSc नर्सिंग दे कोर्स करवाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट विखे कम्यूनिटी हैल्थ नर्सिंग लैब, कंप्यूटर लैब, डेमो लैब, मैटरनल चाइल्ड हैल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन लैब और होर वक्त तरीके की फैसिलिटी मौजूद है। साई टीम ने बख्शी सर नाल गलबात की, जो कि बहुत ही मेहनती इंसान है और हमेशा इंस्टीट्यूट नूं अगे वधन लई उपराले करते रहते हैं। साई टीम ने इत्थों दे प्रिंसीपल मैम नाल भी गलबात की, जो कि हमेशा ही स्टाफ और बच्चों गाइड करने लई तैयार रहते हैं। इत्थों दा स्टाफ बहुत ही मेहनती ते तजुर्बेकार है। सो जेकर तुसीं भी अपना वधिया फ्यूचर बनाना चाहते हो तो गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन लुधियाना जरूर पहुँचो। आओ नज़र मारते हैं इस दिया चलकियां ते। पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं विद्या दे दानी गुरु तेग बहादुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उस समय तो शुरू किया गया कॉलेज जदों इस इलाके दे विच नर्सिंग कॉलेज इन्ने ज़्यादा नहीं सीगे और सेवावां जिहड़ियां हैगियां इस कॉलेज ने बहुत बड़ियां कीतियां। अज इत्थे दी लुमनी जिहड़ी आ सारे वर्ल्ड दे विच, किसी भी कंट्री चले जाइए तो GTB दे बच्चे जिहड़े हैगे तुहानूं मिलणगे सेवा करदे। और गल कर रहे हैं बख्शी सर दे नाल, जिन्हां दे परिवार ने सारी जिंदगी लगाती इत्थे सेवा दे विच। सर स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। थैंक यू जी, थैंक यू, मेहरबानी। बख्शी सर की कहना चाहोगे कि जिहड़े इत्थों दे बच्चे ने इत्थों दी क्रिएटिविटी, क्योंकि इत्थे एक मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल नाल है, बच्चों नूं प्रैक्टिकल दा बहुत वड्डा मौका मिलता है और हरेक डिपार्टमेंट च मौका मिलता, कि यही कारण आ भी जिहदे करके अज जिहड़े इत्थों दे बच्चे हैगे जो सिखे जाते हैं तो उन्हां च स्किल्ड एक हुंदी आ। जे आपां CMC जावड़ीए, DMC जावड़ीए, 40 जिथे मर्जी जावड़ीए तो सानूं जो GTB दे बच्चे मिलते तो उन्हां च एक अलग तरह की एनर्जी हुंदी। हाँ जी, असीं इत्थे बड़े सेवा भाव दे नाल जिन्ना भी साडा स्टाफ हैगा, जो साडे एडमिनिस्ट्रेशन दे वड्डे प्रिंसीपल हो या डायरेक्टर होए, बहुत ईमानदारी नाल और गुरु दी निगरानी हेठ बड़े अच्छे तरीके नाल सेवा और बच्चियां नूं अग्गे पढ़ाते हैं, शिक्षा देंदे ने, उहदा फिर रंग रूप जिहड़ा हैगा वह एक वक्रा ही निकलता हैगा। सर इत्थों दे बच्चों की क्रिएटिविटी की भावना, उन्होंने कला एजुकेशन ही नहीं, उन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़, गेम्स, उन्होंने हर तरह की जी एनर्जी के लैवल्स जोड़े है बच्चों के, वो हरेक गल पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट की गल कर लिए, बच्चे डिगे जे बच्चे नहीं, उन्होंने एक एनर्जी के लैवल जोड़े है और टीचर जोड़े है भरते हैं। तुम पहला आके कौंसल कर दो अपने प्रिंसीपल को कि भाई आप विद्या का दान देना, आप जो बच्चे आते बड़े औखी उन्हों की कमाई आ, मेहनत करानी उन्होंने। हाँ जी, असी गुरु नूं अरदास करके सारा ये काम करते हैगे हाँ, तो मेरे ख्याल नाल जिहड़ा साडा स्टाफ हैगा मैं उन्हां दी बड़ी शलाघा करदा हैगा कि भई वह बड़े मेहनत नाल अपने बच्चियां नूं इस चीज़ दे विच अगे तलीम दे के ते उन्हां दे अंदर एनर्जी भरते हैगे ने ते उन्हां दे अंदर एक वक्री रंग रूप निकलता हैगा। हाँ जी सर, की तुहाडा मैसेज रहेगा कि अज जिहड़ा नर्सिंग दा प्रोफेशन आ, क्योंकि अज वर्ल्ड दे विच बहुत वड्डे वड्डे पैकेज जिहड़े हैगे फॉरन दे विच 16-16 लाख रुपए दे पैकेज जिहड़े हैगे मिल रहे ने, स्पॉस नूं जिहड़ा हैगा फ्री नाल जिहड़ा हैगा मिल रहा हैगा, बड़े वड्डे स्कोप ने। इंडिया दे विच भी बहुत स्कोप ने, क्योंकि कोरोना तो बाद लोगों नूं पता लग्या कि नर्सिंग की वैल्यू की हैगी आ और फॉरन दे विच भी वैल्यू की है। की कहना चाहोगे कि अगर प्लस टू करके बच्चे जाते उहदी थां दे उत्ते अगर वो टैलेंटेड अपने हंट लैके जाण, नर्सिंग करके जान, जिदे नाल उन्हां च एक ग्लो आवे, जिन्हां दे च उन्हां च एक भावना होवे और जिन्हां दे विच उन्हां नूं जान सारी नौकरियां मिल जाण, कि अज जिहड़े बच्चे आ उह प्लैन कर रहे ने प्लस टू तो बाद विच, जदों कि प्लस टू तो बाद विच नौकरियां जिहड़ियां इन्नियां ज़्यादा नहीं हैगियां, उत्थे सिर्फ पढ़ाई है, लेकिन जो इत्थे टैलेंटेड पढ़ाई लैके जाण उदों बाद कोर्स पास कर लैन तो सारे वर्ल्ड दे विच उह आपदी मल्लां मारन। अज भी 40-50% बच्चे साडे आउट ऑफ इंडिया ही जा रहे हैगे ने, पर साडा बड़ा क्योंकि उत्थे पैकेजेस चंगे होण करके क्वालिटी ऑफ लाइफ उत्थे बड़ी चंगी है, इस करके असी हुण कोशिश लगे हुए हाँ कि असी एक नर्सिंग कॉलेज कैनेडा दी कोई यूनिवर्सिटी हैगी है, एक जर्मनी दी यूनिवर्सिटी है, जिन्हां नाल असी टाई अप करते पे हाँ, ताकि बच्चा इत्थे ही तैयार हो के ते जदों वो उत्थे लैंड करे ते वो सीधा ही उन्हूं जॉब मिल जावे नर्सिंग दी। सो साडी कोशिश पूरी है कि बच्चियां वास्ते, और मेन साडा मकसद ये हैगा कि जिन्ने साडे रूरल एरिया दियां बच्चियां हैगियां वह इत्थों नर्सिंग पास करके अपने बाहर जा के चंगा अपना जीवन बिताण और अपने परिवार नूं अच्छे तरीके नाल जिहड़ा फाइनैंशली भी हैल्प कर सकण।
सर तुसी सानू समा दिता और असी हुण दर्शकों तुहानू सारा कॉलेज भी दिखावांगे सारे कॉलेज दा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखावांगे सर तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल माइसेल्फ पन्नम सिंह प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल लुधियाना ये जो कॉलेज है हमारे इट इज़ ए को एजुकेशन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर स्टडिंग हियर और इट इज़ सिचुएटेड इन मॉडल टाउन शास्त्री नगर विच इज़ नियर टू द लुधियाना बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन दैट इट इज़ ए प्राइम प्लेस एंड इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1989 and that time it was started with general nursing. Now we have BSc nursing, post basic BSc nursing and general nursing courses are here. Along with that we have some short courses, for example the ambulance drivers training, operation theatre course and home based nursing attendance training. And we have a very good college with spacious classrooms. Hostel facility is there. And the labs, well-equipped labs are there. And the library and labs are, fully AC. And there are so many books in the library. And along with that, our the hostels are, very spacious, very good grounds, playground and other facilities are there. And now, at present, around 450 students are studying here. And we have well-trained, qualified teachers are there. And the clinical facilities, we have the attached hospital. Is our parent hospital is Guru Tegh Bahadur Hospital, charitable hospital, from where our students are getting the training. And the students are supervised by the qualified faculty throughout the training. Classrooms are also well equipped and very spacious. There is the campus is very beautiful. It's a lush green campus. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਆ ਨਰਸਿੰਗ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਈਅਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਨ ਐਮ ਫਸਟ ਈਅਰ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿੱਲਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਡਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਕਬਰਡਸ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਮੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਬ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਯੂਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ इधर सारे बच्चे आते हैं मत्था टेकने के लिए और पूरा टाइम ये खुला होते हैं ये हमारा ऑडिटोरियम है
सारे फंक्शंस हम इधर ही कर लेते हैं और बच्चों की एग्जामिनेशन भी इधर ही कंडक्ट करते हैं. So this is a basically preclinical lab which includes also the microbiology plus the anatomical. These are the structures present here. So which all are the displays in the front left side. ये साडा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन गुरु तेग बहादुर साहिब चैरिटेबल हॉस्पिटल लुधियाना दे विच खड़े हैं. ये साडी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग लैब है जिसनों की आप कह सकते हैं बच्चों दे लई ये लैब है. जो भी इत्थे असी बच्चों की ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट हुंदी है वाधा विकास हुंदा है उन्हां दे टीकाकरण हुंदा है उहदे बारे सारे प्रोसीजर सारे डेमोन्स्ट्रेशन इत्थे स्टूडेंट्स नूं करवाए जांदे आ. अज असी इत्थे पोस्ट बेसिक सैकेंड ईयर स्टूडेंट्स के नाल खड़े हाँ जो कि इत्थे वेट ऑफ अ चाइल्ड के प्रोसीजर वास्ते आए ने. इत्थे असी इन्हां नूं इहदे बारे डेमोन्स्ट्रेशन देवांगे और उस तो बाद नाल ही रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन भी लवांगे इस प्रोसीजर के रिलेटेड. This is our OBG lab. Here we give students knowledge regarding care provided during pregnancy, during antenatal period, during intranatal period, postnatal period, and also certain topics like pregnancy and childbirth, kangaroo mother care, and other topics related to maternity and training all these students, all these GNM, BSc, post basic students for going into the clinical area. So that they can conduct delivery or they can assist in conducting delivery. So all these education is giving to them over here. ਸਾਡੀ ਏ ਐੱਨ ਪੀ ਐਡਵਾਂਸ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੈਬ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮਨਰੀ ਰੈਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਡੀਫਿਬਰੀਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਈ ਸੀ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੀਡਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ. ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि डिफरेंट टाइप ऑफ अरिदमिया है कार्डियक अरिदमिया हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह वो बच्चे नूं असीं दसदे हाँ. बाकी डम्मी वगैरह तो बच्चे सारे प्रैक्टिस करते हैं और जिन्हें भी एडवांस प्रोसीजर है लाइक पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन के बीच हुंदा है तो असी सारे बच्चों नूं प्रैक्टिस करवांगे. ये साडे कॉलेज की कंप्यूटर लैब है इत्थे 20 कंप्यूटर हैं तो इत्थे बच्चों नूं कंप्यूटर सिखाया जाता है. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ये हमारी न्यूट्रिशन लैब है. ठीक है, बेसिकली क्या है कि नर्सिंग में न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ठीक है, इससे क्या है कि हम बेसिकली स्टूडेंट्स को अगर हम जब पढ़ाएंगे कि हाँ कौन सी डिजीज़ कंडीशन क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है हर एक चीज़ की, तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को पता चलेगा और आगे स्टूडेंट फर्दर क्या है गाइड करेंगे कम्युनिटी में. ठीक है, तो इसलिए हमारी लैब में सब कुछ है कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल करवाते हैं और उनको हर एक चीज़ सिखाते हैं कि कौन से डाइट में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितने कार्ब्स होने चाहिए. तो ईच एंड एवरीथिंग हम क्या है हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं इस लैब में.